नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आज मैं आपको है ना बिना मुर्गी के अंडों से चूजे कैसे निकाले इसके बारे में बताऊंगा। इस इंक्यूबेटर मशीन को आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। कितना खर्च लगेगा और कितने दिनों में आपको इससे चूजे मिलेंगे इसके बारे में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल होगा आप उस उन सारी चीज़ों से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या क्या लगने वाला है मैं ये बता दूं। जैसा कि ये जो मशीन है, आपको एक ड्रम दिख रहा है, एक ड्रम का जो कटिंग है, नीचे वाला लेयर है वो बना उससे बनाए हुए हैं। उसके साथ एक थर्मोमीटर लगने वाला है, वायर लगने वाली है, होल्डर, एक बल्ब और एक रेगुलेटर जो कहलाता है, एक वोल्टेज रेगुलेटर, और एक पैकिंग पेपर जो नॉर्मली अपने घर में खाना पैकिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हमने इसको बनाया हुआ है, किस तरीके से। आपको देखिए, जैसे ये ड्रम है, आउटर कवरिंग में आपने देखा कि ये ड्रम रखा हुआ है, इसको हमने कटिंग करके बनाया हुआ है। और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये ना, ये प्लाई लगी हुई है, नॉर्मली प्लाई आप ना यूज़ कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए आप इसको क्या क्या कैसे आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये प्लाई के साथ हमने क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है, इसमें एक होल्डर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और ये प्लाई के ऊपर की तरफ देखिए जो हमने लगाया हुआ है, ये क्या लगाया हुआ है, ये पैकिंग पेपर लगाया हुआ है ताकि जो हीट जनरेट हो इससे वो डायरेक्टली लकड़ी को इफ़ेक्ट ना करे। और ये जो पिन दिखाई दे रही हैं आपको, ये पिन जो हैं इसके आउटर जो पैकिंग है, जो ड्रम की पैकिंग है उसके लिए है, है ना। और जो ये आपको ये होल्डर दिखाई दे रहा है, नॉर्मली इसके जो रेट है वो 10 रुपये है। इसमें जो लगने वाला बल्ब है वो 60 वाट का बल्ब है, वो आपको 10 रुपये में मिल जाने वाला है। वायर जो इसमें लगने वाली है वो 15 रुपये की है। जो थर्मोमीटर अपन को बाज़ार में मिलता है वो 80 रुपये की कीमत का मिल जाएगा। रेगुलेटर है वो 70 से 80 रुपये का आता है। और पैकिंग पेपर सभी के घर में होता है। तो नॉर्मली खर्चे पर ही अपन हम अगर लगाएँ तो नॉर्मली खर्चे में 200 रुपये तक के खर्चे में अपन इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जो थर्मोमीटर है, आप इससे इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो है ये आपको नॉर्मली 70 से 80 रुपये में मिल जाने वाला है। इन सारी चीज़ों को देखकर आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देखकर आप अपने घर में भी नॉर्मल खर्चे पे ही बना सकते हैं। अब मैं देखें कैसे बताता हूँ कि हमने जो अंडों पे रखा हुआ है कि कैसे तैयार कर सकते हैं। आपने ये देखा तो सबसे पहले मैं इसकी विधि बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। इस मशीन में सबसे पहले आपको अंडे रखने से पहले अंडों को एंटीसेप्टिक से धुलना है, जैसे डेटॉल हो गया, ताकि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो तरीके से है ना पूरे तरीके से क्या हो जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद उनको वज़न करना है, वज़न ज़रूर करें दोस्तों। वज़न इनक्यूबेटर मशीन में रखने से पहले अंडों का वज़न ज़रूर करें, 42 से 43 ग्राम वज़न होना चाहिए, है ना। इतने वज़न के ही अंडे आप उस पर रखें, इससे कम वाले जो अंडे हैं वो उनसे चूजे नहीं बनेंगे, वो ख़राब हो चुके हैं। आप कम वज़न वाले अंडे ना रखें। उसके बाद आपको क्या करना है कि है ना, मुर्गी के अंडे जैसे देसी हो गया, कड़कनाथ है, गिनी मुर्गी के अंडों को 21 दिनों तक रखना है, तथा जो बतख होता है, डक होता है, उसके अंडों को आप 25 दिनों तक रख सकते हैं। देखिए ये जो है ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जिससे क्या होता है वोल्टेज अपन रेगुलेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं बढ़ा घटा रहा हूँ, तो इसे यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो लाइट है वो क्या हो रही है, बढ़ घट रही है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, मेंटेन वोल्टेज जो है यहाँ पर, या हीट जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद करना क्या है आपको दोस्तों, कि डेली अंडों को है ना 3 टाइम पलटाते रहना है। आप उसके लिए काम भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि कुछ में मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मार्क भी लगाया हुआ है। इससे ये पता चलता रहता है कि आपको अंडे कौन से पलटे हैं, कौन से नहीं हैं। आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं उस पर, आप डेट डाल सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कुछ अंडे को ये पता चल जाएगा कि कुछ अंडे किस डेट से हैं, तो आपका डेट भी भूलेगी नहीं। आप डेट के वाइज क्या कर सकते हैं, पलटा सकते हैं, और एक मार्क लगा सकते हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने अभी किस तरीके किस फॉर्म में या किस शेप में आपने अंडे पलटाए हुए हैं। 18 दिनों के बाद आपको ये करना है कि इनको रेगुलरली 18 दिनों तक पलटाते रहना है। और जो बचे हुए 3 दिन हैं, है ना, 21 दिनों में मुर्गी के अंडे से चूजे निकलने वाले, 3 दिनों तक इनको फिर ऐसे ही छोड़ देना है, पलटाना नहीं है, टच नहीं करना है,
देखा आपने कि इसमें जो पानी रखा हुआ है हमने, तो इससे जो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने के कारण क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो जो पानी रखा हुआ है वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए रखा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो चूजे दिखाई दे रहे हैं ये 2 दिन के चूजे हैं, है ना, 2 दिन के चूजे हैं ये आपको जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो 2 दिन के चूजे आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने घर पर भी क्या कर सकते हैं, आप एक इनक्यूबेटर मशीन जो है वो कम दामों में या घरों के वेस्ट मटेरियल से आप बना सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है वो मुझे 200 रुपये की पड़ी हुई है, है ना। और इससे जो अभी अंडे दिखाई दे रहे हैं इनसे लगभग 1 या 2 दिन में आपको सभी से चूजे मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी जानकारी आपको इस मशीन से संबंधित चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।